दर्शकों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ फिर से आप सभी के सामने आपके प्यारे कार्यक्रम राशिफल में और पसंदीदा चैनल सिटी न्यूज पर। आज दिनांक 15 मई 2021, विनायक चतुर्थी आज, और अगस्ती का अस्त भी है और भद्रा भी प्रारंभ होने वाला है। आज एक अक्षय तृतीया का ही आधा हिस्सा है आज के दिन में। हमें इस दिन शुभ मुहूर्त संपूर्ण दिन को मानकर सभी श्रेष्ठ काम कर सकते हैं। आज वार है शनिवार, माता काली को अभिवादन कर सकते हैं, श्री हनुमान जी का भी स्मरण कर सकते हैं। हम हमारे घर के ज्येष्ठ व्यक्ति को आदर देकर नमस्कार दे करके अगर आज के दिन को प्रारंभ करते हैं तो अक्षय फल हमें मिलने वाला ही है। आज का नक्षत्र है मृगशीर्ष, धृति योग गरज करण जो, और मिथुन राशि है। मिथुन राशि प्यारी मुस्कुराहट मन भावन लोग, बातें करने में बिल्कुल दिलदार उदार लोग, कंजूस नहीं होते, इस तरह के लोग इसमें प्रारंभ होते हैं। आज का पंचांग देखा जाए तो मिथुन राशि में मंगल है और सूर्य है वृषभ राशि में, राहु बुध और शुक्र भी वही। प्रजापति मेष राशि में, शनि मकर और गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में उच्च का, और चंद्रमा भी मिथुन राशि में है। इसमें केतु भी उन्हीं के साथ होने की वजह से आज के इस ऐसे ग्रह स्थिति बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में आत्म परीक्षण करने का सुअवसर नहीं गंवा सकता। हमें जीवन में दूसरों को दोष देकर या भगवान को दोष देकर काम निपटाने में कोई फायदा नहीं है। आत्म परीक्षण करने की अगर प्रवृत्ति हम विकसित करते हैं, निरीक्षण करने की प्रवृत्ति हम विकसित करते हैं, तो देवस्पति बृहस्पति हम पर कृपालु होंगे और कुंभ राशि के शनि के पर की भी हम पर परम कृपा होगी। आज एक विशेष दर्शक इस कार्यक्रम के थे, श्री संतोष राव दयाराम जी शिरवाते, बड़े ही सुंदर, दिल खुलास, उत्साही और मजाक प्रिय व्यक्ति जिनका देहांत हो गया 2 मई 2021 को। उनको हमारे सिटी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से हम भावभरी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। उनके जीवन में उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ की, खुद को व्यस्त रखा, जो सामने आया वो काम किया। एक मैकेनिक से लेके एक बड़ी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष, गजानन शिक्षण संस्था बडनेरा के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक दो स्कूलों का निर्माण किया और अपने परिवार के लिए एक उज्जवल दिशा छोड़कर परलोक सिधर गए। हम उनके लिए जो शोकाकुल है, श्री राजू श्री राव, जया श्री राव और विलास जी गावनेर, यह शोकाकुल है, इनको भी हम सांत्वना देते हैं हमारे चैनल की ओर से। और वो अपने पीछे एक परिवार भी छोड़ के गए हैं, अपनी सुविद्य पत्नी और एक यशस्वी संतानों को। तो श्री संतोष राव जी को हमारे चैनल की ओर से भावभरी श्रद्धांजलि। अब हम देखते हैं कि आज के दिन एक दर्शक का भविष्य, उसके ग्रह योग कैसे हैं। आज का विषय है उनका कि शादी के लिए या प्रेम योग के लिए यह समय कैसा रहेगा पंडित जी। तो दर्शक है चिरंजीव पंकज अरुण पंत वर्राड़े, उनकी माता जी का नाम है भावना जी अरुण पंत वर्राड़े। अभी पिताजी का उनका देहांत काल हो गया है, उनके भी आत्मा को हमारी भावभरी श्रद्धांजलि। श्रद्धेय श्री अरुण पंत बापूराव जी वराड़े, इनके पावन स्मृति को अभिवादन करते हुए हम श्री पंकज जी का भविष्य कथन कर रहे हैं। पंकज का जन्म दिनांक है 13 मई 1990, 5:45 सुबह मोजरी में। इनके वर्तमान ग्रह योग के अनुसार तो ऐसा दिखता है कि उम्र तो 30 साल की हो चुकी है। दोस्तों में प्रिय, व्यवहार में निपुण, वाहन चलाने का शौक, अपने मकान को तेजस्वी, साल में 2 बार कलर करके सुंदर तेजस्वी बनाने का शौक, कहीं भी जाए तो बच्चों के लिए मिठाई लेके जाने की आदत, कहीं भी कोई गुजर जाए तो उसके लिए एक फूल माला लेके जाने की आदत, ऊंचे आदर्शों का व्यक्ति। ऐसे इस व्यक्ति का अगर भविष्य देखा जाए तो बहुत ही उज्ज्वल है। बातें करने में थोड़ी टूट फूट होती है लेकिन भावनाएं बड़ी उज्ज्वल होती हैं।
व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा रहेगा पंकज। आपको दीर्घायु है, निरोगी भी है। आपको किसी तरह के अपराध या अपघात का भय नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा और विश्वास को बनाने के लिए कुछ ट्रैफिक के नियमों का पालन, कुछ शासकीय नियमों का पालन, सामाजिक और कानून के ज्ञान का पालन अगर करने के लिए करने की ओर अगर आप प्रवृत्त होते हैं तो आप विजय श्री हासिल करते करते हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद भी। अब हम आपको बताते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है। पंकज, आपके कुंडली में चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है कि वो सूरज की पूरी दृष्टि रखी हुई है, तो आपका स्वभाव बहुत ही मिलनसार, अपने से उच्च स्तर की सोच रखने जो उपलब्धि का दर्शक है। आपको अपने जीवन में एक बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, एक बायोग्राफी पढ़नी चाहिए कि सुंदर परिवार के धनी जो लोग होते हैं ऐसे व्यक्ति की बायोग्राफी पहले पढ़ लेनी चाहिए, जिन्होंने उत्तम और उत्कृष्ट रीति से परिवार चलाया, जिससे आपको बहुत ही सुंदर मार्गदर्शक तत्व और अपने भीतर का विकास करने का मौका मिल जाएगा। आपके आदतों के बारे में देखा जाए तो वैसे तो आपको किसी तरह की बुरी आदत है ही नहीं, लेकिन हम हमारे मन पे नियंत्रण बनाए रखें इसमें काबिल बने हुए हैं, इसका विश्वास आपको हमेशा मिलता रहेगा। अगर कोई बुरी आदत आपको रखना है तो तीर्थ प्रसाद जैसा दुर्गंध रखिएगा, उससे ज़्यादा मुट्ठी भर या प्लेट भर नाश्ते की तरह कोई बुरी आदत रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तीर्थ प्रसाद जैसा दुर्गुण आपकी रक्षा करेगा और आपको स्वाद का भी अनुभव देगा ही देगा। अगर आरोग्य के बारे में देखा जाए तो आपको इस कुंडली के अनुसार आपका इम्यून सिस्टम, सेहत का सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, उसको बिल्कुल पक्का बनाने के लिए आप रोज़ नहाने के बाद 50 उड़िया और 50 ताला मार के ही घर से निकलिएगा, 24 घोट पानी पीजिएगा, आपका सेहत बिल्कुल फिट रहेगा, आपका उत्साह भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर भाग्योदय के बारे में सोचा जाए पंकज आपके, तो आपका भाग्योदय कैसा है कि 2008 में तो आप समझदार हो गए, 2008 के बाद 2015 में आप स्वतंत्र विचारों के हो गए, 2016 से आपने कुछ करने की योजना बनाई और 16-17 में आप बिल्कुल अपने स्वतंत्र रूप से परिवार चला रहे हैं, परिवार को सहयोग दे पा रहे हैं। और ये अभी 2025 के बाद आप आपके जीवन में आदर्श, मार्गदर्शक, शिक्षक और गुरु जैसे दिखेंगे। आपको बहुत ही बढ़िया गुरु मिलने की संभावना है, किसी पर आपका विश्वास पूरी रूप से बैठ जाएगा और आप उनका अनुकरण करके आदर्श भी बनेंगे। शादी आपकी वैसे तो ऐसे व्यक्ति से होंगी जिसको आपने बचपन से देखा है, जाना है, परिचित व्यक्ति से। आपकी शादी के योग बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल चल रहे हैं, बस आप समय निकाल के लड़की देखने को जाइएगा, निर्णय लीजिएगा, बहुत ही सुंदर कन्या से आपकी शादी हो जाएगी, जो भोजन भी अच्छा बनाएंगी, आपकी सेवा भी करेंगी। उसको सिर्फ अज्ञानी बने रखने का संकल्प मत कीजिएगा, अपनी बीवी को ज्ञानी बनाइएगा, निरीक्षक बनाइएगा, उसको निर्णय लेने में समृद्ध बनाइएगा, आपका जीवन आनंदवन और नंदनवन बन जाएगा। आपके घर के दक्षिण या वायव्य दिशा की ओर आपकी शादी होगी वृषभ राशि के कन्या के साथ, उसका नाम होगा व ब ई या हु से। ससुराल से भी बहुत धन और प्रेम आपको मिलने वाला ही है। प्रगति क्षेत्र, आपको कौन से क्षेत्र में सफलता है, आपको क्षेत्र में सफलता है जो सबसे अच्छा आपके लिए कि आपको गांव बदलने में बहुत फायदा है, आपके प्रिय रिश्तेदारों के आसपास रहना ही आपके फायदे का है। वहाँ पे आपको वाहन के साथ साथ आपको बाकी भी व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, जैसे किराना दुकान है, किराना दुकान में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि इसी महीने में आपका जन्मदिन अभी हो चुका है, कल आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके जन्मदिन के पर्व पर ये तोहफा समझ लो कि यह उपदेश आपके सामने है। प्रगति क्षेत्र का मोक्ष त्रिकोण में आपको जीवन में कौन कौन साथ देगा, आपको जीवन में गुरु की बहुत साथ मिलेंगी, माता की, पिता की, जायदाद की और आपके आप्तों से रिश्तेदारों का बहुत प्रेम मिलेगा, पत्नी भी प्रेम करने वाली मिलेंगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह न रहिएगा, नहीं तो आपको सबका दोष सुनना ही पड़ेगा। आपके लिए भाग्यकारक दिशा, अगर कोई दिशा में आपको कोशिश करना है तो सबसे पहले आपके लिए सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण और वायव्य, इस दिशा में आपको सफलता है। दिन का पहला प्रहर, चौथा प्रहर दोपहर 3 से 6 बजे तक,
या सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। साधना अगर आपको कोई करना है तो तेजोपासना कीजिएगा, तेजस्वी रहने के लिए देवताओं का तेजोपासना और उनके वाहन की ओर आपका ध्यान अगर जाता है, हर देवताओं का वाहन और उसके पीछे का तेज, यह जिस माध्यम से सुरक्षित रहे बढ़े वो तेजोपासना आपके लिए बहुत ही फायदेकारक है। उसे जानने के लिए आपको हमसे संपर्क करना ही पड़ेगा। तो पंकज जी, कुल मिला के आप एक दीर्घायु है, निरोगी है, आपके परिवार के लिए भाग्यवान है। आपने इस कार्यक्रम में आपके भविष्य बताने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी कार्यक्रम में इसी वक्त। आप सभी दर्शकों की भी कुंडली आप इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं और अपने बच्चों के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में, अपने बेटों के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सवाल भी लिख के भेज सकते हैं। अमरावती में हम 2 ही दिन मिलते हैं, शनिवार रविवार, और बाकी दिन नागपुर ऑफिस। हम कहाँ है इसको जानने के लिए आप व्हाट्सअप और फेसबुक स्टेटस पर हमारी स्थिति देख सकते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक करके आपके मित्र और आपके रिश्तेदारों को भी आप भेज सकते हैं, जिससे आपके विशाल हृदय का हमें परिचय भी होगा। तो हम आपको देते आशीर्वाद। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा कुलदेवत्य चामुंडा रक्षन्तु बालक सदा। हरि ओम तत्सत्।